रायबरेली में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व गांधी जयंती पर रायबरेली में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में झाड़ू लगाते नजर आए। रायबरेली जनपद में इस समय चाहे वह गली हो या मोहल्ला, प्रमुख चौराहों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल सकता है। शहर भर की टूटी सड़कें गवाह हैं इस बात की। जनपद में विकास की गंगा बहती कहीं दिखाई नहीं दे रही। जहां पूर्व में बनी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, नगर पालिका क्षेत्र में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो वहीं आज मंत्री दिनेश प्रताप सिंह स्वच्छता अभियान चलाकर संदेश दे रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की जा रही है, लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। मंत्री जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर? आज महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के आदर्श अनुसार हम लोगों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। शहर स्वच्छ रहे, गांव स्वच्छ रहे, घर स्वच्छ रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है और उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। और हम देशवासियों को खुशी है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, तब से आज तक लगातार ये अभियान का रूप और गांव-गांव, गली-गली लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह से कामयाब रहे। और आज की तारीख में कह सकता हूँ कि एक संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि हमको अपना घर, अपना गांव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता जितनी बेहतर होगी, हम लोगों का स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा, हमारे देश का स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। रायबरेली से अरविंद मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।